शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे वाह, ये जो अजीबो गरीब गंभीरता है, इस गंभीरता का क्या किया जाए। लेकिन ऐसे में वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बिना बात की मुफ्त की गंभीरता ओढ़े नहीं घूमते। उनमें से एक है संगीता सरल, जो हमेशा मुस्कुराती है, हंसती रहती है, वन रक्षक का काम करती है। लेकिन जो वन रक्षक है, ये कमाल की वन रक्षक है। सिर्फ वनों की रक्षा नहीं करती, हमारी हंसी की भी रक्षा करती है। आइए संगीता सरल। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने शैलेश जी। और आज देखिए शैलेश जी को वाह भाई वाह के एपिसोड में कि देखो कैसे सवर के निकले हैं। हाय राम। और तीर आँखों में भर के निकले हैं, और कितने होंगे शिकार महफिल में इस इरादे को करके निकले। हाय 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 हाय, इनकी शान में आप कहिए जोरदार वाह भाई वाह। आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल, लव करने का नया स्टाइल। हाँ, लव करने का नया स्टाइल, लव करने का नया स्टाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल। देखिए कैसा सरफिरा प्रेमी है। खुश होना चाहिए, क्या दिक्कत है। इसका मैसेज उसको करते, जाने वो किस किस को करते, इसका मैसेज उसको करते, जाने किस किस को करते, जाने किस किस को वो करते। और एक संदेशा निपटाता है, एक संदेशा निपटाता है, जाने कितनों की फाइल। फाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल, लव करने का नया स्टाइल, लव करने का नया स्टाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल। कविता का आखिरी संदेश। हाँ। गीत तो मैंने मजे के लिए पढ़ा है, लेकिन सुनिए। सोच समझ कर इसको चलाना, सोच समझ कर इसको चलाना, वरना पड़ेगा तुम्हें पछताना, वरना पड़ेगा तुम्हें पछताना। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, मेल है वो फीमेल नहीं। जिनसे ये बात करते हैं जी, मेल है वो फीमेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, मेल है वो फीमेल नहीं है, मेल है वो सोच समझ कर करना बाबू। गौतम बाबू सुनिए, सोच समझ कर करना बाबू, करना नंबर डायल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल, ऑन करके साइलेंट प्रोफाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, क्या बात है, आओ खेले मोबाइल, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल, वाह वाह वाह, आओ खेले मोबाइल मोबाइल, आओ खेले मोबाइल। आइए अब उनसे बात करते हैं जिनके गीत बड़े कमाल के होते हैं। वो सिर्फ गीतकार या कवित्री नहीं, एक माँ भी है। और एक माँ क्या सोचती है वो सिर्फ माँ ही बता सकती है। तो आइए हम सुनते हैं रुचि चतुर्वेदी को। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा। आज जब सारी दुनिया एक स्वर में कहती है वाह भाई वाह, तो मैं आभार व्यक्त करते हुए, आपने कहा माँ जो 24 घंटे हमारे लिए जीती है, जिसका हर पल हमारे लिए अपने बच्चों के लिए होता है, तो वो क्या कहती है
वो भाव। मुन्ना रूठे अंबर पर वो, मुन्ना रूठे अंबर पर वो, चांद दिखाती है। मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है, चांद दिखाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है, बच्चा बन जाती। चलिए जी, वो हमारे साथ लूडो भी खेलती है ना, तो खुद हार जाना चाहती है हमें जिताने के लिए। पढ़े पहाड़े रोज हमारे जीवन की गिनती के, क्या बात है। पढ़े पहाड़े से और हमको, लड़े सांप से और हमको, सीढ़ी चढ़वाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है, बन जाती है। मुन्ना रूठे अंबर पर, क्या बात है रुचि, वाह। खुशियों की लहरें देती हम विजय ध्वजा लहराए, सुख के गीत सुनाती के हम गीत खुशी के गाए। खुशियों की लहरें देती हम विजय ध्वजा लहराए, सुख से लाड़ करे के देसे खुशी के गाए। सत्य पंथ दिखलाती जिस पर चल सच्चाई लिख दे, अरुणिम बातें करे कि हम शोभित तरुणाई लिख दे। नजर लगे ना इसीलिए, नजर लगे ना इसीलिए, वो बीच में मुरैना की मूलतः रहने वाली शिवांगी शर्मा है, जो इन दिनों जेल विभाग इंदौर में काम करती है और बड़े अच्छे गीत कहती है। और जब किसी नई प्रतिभा हम सामने लेके आते हैं तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती है। मैं चाहता हूं शिवांगी शर्मा अब आप आए और अपने गीतों से हम सबको रससिक्त कर दें। आए शिवांगी शर्मा। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, आभार करती हूँ शैलेश सर का। मैं मुरैना से आती हूँ, जैसा सर ने मेरा परिचय दिया वो डकैतों की नगरी के नाम से फेमस है, लेकिन मैं वहाँ से प्रेम की गीत लेकर आई हूँ। देखो, जो प्रेम के गीत लाता है वो भी किसी डकैत से कम नहीं, क्योंकि वो दिल पे डाके डालता है। मैं शुरुआत करती हूँ, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। प्रेम कैसा होना चाहिए जीवन में? प्रेम नयनों में अपने बसाने लगूं, प्रेम रंग से ही अंतस रंगाने लगूं, शाम की बांसुरी सा सुरीला हो स्वर, प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं, प्रीत राधा के जैसी निभाने।
कहा आपने मुक्तक पढ़ने के पहले कि प्रेम कैसा होना चाहिए, किसी 22-23 साल के अकेले लड़के से पूछो कि प्रेम कैसा होना चाहिए, वो कहेगा बस होना चाहिए यार, कैसा भी हो। हाँ शिवांगी। मैं अपना एक प्रेम गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। जी। आज हृदय अंबर में मेरे, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में, ओ मेरे मन में, मेरे मन में, आज हृदय अंबर में मेरे उदय हुआ है गीत। ओ मेरे मन में, सुन मेरे मन में, मैं बहती नदियां हूँ तुमको सागर मैंने माना है, छोड़ के अपने घाट किनारे तुम मैं ही मिल जाना है, तुमको पाना है अब चाहे, तुमको पाना है अब चाहे बदले जग की रीत। ओ मेरे मन में, मेरे मन में धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं। क्या बात है? ये केवल भारत की नारी ही कर सकती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। वाह। धूल तुम्हारे पद चिन्हों की मस्तक पर धर लूंगी मैं, मान के अपना जीवन प्रियतम तुमको ही भर लूंगी मैं, हृदय लगा कर मुझको अपने, हृदय लगा कर मुझको अपने प्रियम निभा दो प्रिय। प्रेम समर्पण रघुनंदन।